अरे मेरा बैग कहाँ गया भाई साहब? मेरा रेड बैग। भाई साहब आपने मेरा बैग देखा? नहीं तो। लाल कलर का था, यही पर तो था, किसी ने चुराया तो नहीं? अरे लाल कलर का बैग? हाँ हाँ, वो जो आपके पास से बैठा था वो लेकर चला गया। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? कमाल है, मुझे कैसे पता होगा कि आपकी बैग है वो। भाई साहब जरा ध्यान रखिए, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। अरे रुको, अरे रुको, ट्रेन रुको, ट्रेन रुको, रुकिए। सर सर मेरा बैग चोरी हो गया, मेरा बैग चोरी हो गया सर। शांत रहिए, घबराइए मत, आइए बैठिए। आरपीएफ ने सभी यात्रियों के लिए एफआईआर दर्ज कराने का सरल और तेज तरीका उपलब्ध करवाया है। अब आपको चलती ट्रेन को रोकने की अथवा अपने सफर को बीच में छोड़कर एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने ट्रेन के कोच अटेंडेंट, कंडक्टर, गार्ड, ट्रेन में स्थित आरपीएफ, जीआरपीएफ स्टाफ अथवा टिकट चेकर के पास एफआईआर दर्ज करने का फॉर्म मांग सकते हैं। किसी भी जीआरपी पुलिस स्टेशन में आप अपना एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य स्टेशन के आरपीएफ पोस्ट या आउटपोस्ट में भी एफआईआर दर्ज करने का फॉर्म उपलब्ध है। डाका, चोरी, धोखाधड़ी या फिर किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला हो, यात्रियों से अनुरोध है कि वो तुरंत अपना एफआईआर फॉर्म विस्तार में भरकर जमा करे, जिससे हमें अपराधी के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। और हाँ, किसी भी इमरजेंसी के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, सतर्कता ही समझदारी है। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। आरपीएफ और मध्य रेल द्वारा जनहित में जारी।